फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड। तो ये आज आपके सामने है क्लासिक 350 रिवॉन ब्लू कलर, ब्लू एंड ग्रे। तो इसमें आज इसका हम रिव्यू करेंगे। ये चला हुआ है अपना, टोटल चल रखा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये चल रहा है, दिख रहा है, ये है, थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, 2194 किलोमीटर चल गई है, 2200 के आसपास चल गई है। तो 2200 में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें कवर करेगी आज, और देखेंगे, आप लोगों को बताता हूँ कि ये कितने का पड़ा और क्या पंजाब में क्या रेट है। अरे, ये मेरे पंजाब की निकलवाई हुई बाइक है, तो आप लोगों को ये देख सकते हो। ये मैंने लिया था पाँच मई को लिया था 2023। तो अभी ये तकरीबन चल गई है, 2200 किलोमीटर चला दी है इसको मैंने, और इसमें क्या क्या चीज़ें नेगेटिव है और क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। शुरुआत करते हैं इसके प्राइस से। तो ये आपको पंजाब की बात बता रहा हूँ, पंजाब का जो रेट है वो इस टाइम चल रहा है 2. जो इसका यहाँ का रेट चल रहा है वो चल रहा है 2.53 के आसपास है, 2,53,000 के आसपास पड़ता है ये ऑन रोड और कैश में लेने पे। बाकी जो इसका, तो इसमें कई मॉडल आते हैं, ये अपना टॉप मॉडल है जिसमें अलॉय वगैरह, अलॉय और डबल डीसी एबीएस वगैरह तो आजकल कंपलसरी कर दिया है। तो इसमें सरकार ने कंपलसरी, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, उसमें तो वो तो कर ही दिया है। और ये आपको मिल जाता है डबल डिस्क, ये फ्रंट का डिस्क, और इसमें आपको पीछे वाले डिस्क मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं इसके नेगेटिव से। जो नेगेटिव है वो है इसका, आपको एक तो थ्रोटल, थोड़ा सा थ्रोटल हार्ड लगता है, और इसका थ्रोटल हार्ड है गया, और थोड़ा सा क्लच सीटी अगर हम चलाने के लिए ना थोड़ा सा लाइट होना चाहिए था। और ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगर ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी कंफर्ट जो राइड की कंफर्ट है वो इसी से बनती है। अगर आपके क्लच हाथ में पेन होएगा, आपके रेस में पेन होएगा, तो उसका तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, लंबे टूर के लिए फिर तो प्रॉब्लम होएगी, आप कहीं दूर जा रहे हो। तो ये चीज़ मुझे नेगेटिव लगी है। और एक नेगेटिव सबसे बड़ा, जो इसका नेगेटिव का पॉइंट है सबसे बड़ा, वो मुझे ये गंदा लगता है, इसका जो चेन है ना, ये चेन सेट है इसका, अगर आपको कल को चेन सेट चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको ये जो इसका आर्म वगैरह है ये यहाँ से खुलेगा, ये यहाँ से खुल के ये सारा फिटिंग खुलेगी, उसके बाद फिर ये फिटिंग खुल के ये सारा कुछ खुल के फिर ये चेन जो है आपका चेन सेट, अगर आप कल को चेंज करवाते हो, चेन सेट तो चेंज होगा वो तो नॉर्मल सी बात है। आप बट इसमें ना आप देखोगे तो कहीं पे भी ना जो इसका लॉक होता है, एक आप लोगों को पता होगा कि चेन में एक लॉक होता है, चेन जिससे चेंज होती है, उसमें उन्होंने वो चीज़ नहीं दे रखी, चेन लॉक ही नहीं दे रखा। अगर कल को आपको खोलना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है तो आपको इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इस चीज़ की है कि आप चेन ऐसे चेंज नहीं करवा सकते। आपके लिए, आपको उसके लिए सारा यहाँ से खुलवा के सारा चीज़ चेंज करवा के फिर आपका ये चेंज होएगा। तो ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा जो है मुझे लगता है ये कंपनी वालों ने पता नहीं क्यों दिया है, मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं किस लिए दे रखा है ये चीज़, क्या रीज़न था। और वैसे तो और कुछ नेगेटिव नहीं है, बाकी सब, अब तो ये तो हो गया नेगेटिव के बारे में, जो नेगेटिव था वो तो, अदरवाइज़ ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं अभी तक। हाँ, इसमें जब मैंने लिया था, जब परचेज़ किया था, तो एक प्रॉब्लम और आई थी इसके सेल्फ में प्रॉब्लम आई थी कि ये जैसे यहाँ पे एक और से इसके अंदर ना रीले होती हैं, यहाँ सीट के नीचे एक रीले होती हैं यहाँ पे, वो क्या हुआ था, उस कहते एजेंसी वाले ख़राब हो गई है यहाँ पे, जिस टाइम मैंने लिया था उसी के यहाँ पे ना, यहाँ पे होती है कहते हैं। तो जिस दिन मैंने लिया था इसको, उसी दिन उसके दूसरे तीसरे दिन मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम आ गई थी, फेस करनी पड़ी थी। तो उसके चक्कर में मुझे बाइक को एक, इनकी ये
कंपनी की बुरी एक लगती है कि जैसे अब मैंने चीज़ बाइक ली है तो आपको अगर सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने भेजा वहाँ पे, ठीक है, और उन्होंने क्या करा कि इसका जो रिले है, रिले को क्या होता था कि मैं स्टार्ट करता था ना, आप लोगों को जैसे स्टार्ट करा तो टक 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 की आवाज़ आ जाती थी यहाँ से और स्टार्ट नहीं होती थी सिर्फ इसको। फिर उसके बाद कई बार करने के बाद एक कई बार हो जाती थी, जैसे 5-7 बार अपना चलाया और कई बार पकड़ लेता था तो स्टार्ट हो जाती थी। तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे लगी और इसको मैंने वो करने के लिए एक हफ्ता बाइक को वहाँ पे एजेंसी में छोड़ा था। 10 दिन लग गए थे तकरीबन, 10 से 11 दिन। तो वो उन्होंने मंगा के फिर उसके बाद इसका चेंज चूंज करा था। बट हाँ, ये है कॉपरेट बहुत बढ़िया किया था, मुझे ये चीज़ का तो है कि रिस्पांस बढ़िया था उनका, रिस्पांस अच्छा देते थे वो लोग और काम रॉयल इनफील्ड का तो एक नंबर का लगा। मैंने अपाची ली थी, अपाची में अपाची वालों को इतना ना नॉलेज है ना ही वो इतना बढ़िया आपको काम करके देंगे, ठीक है, और ना ही आपको, मुझे TVS वालों से वो चीज़ नहीं मज़ा मिली जो चीज़ इसमें आया ना कि चलो हाँ आपको सारी चीज़ें आप अगर कम एजेंसी में बोलते हो आपको प्रॉब्लम उस चीज़ को सॉल्व करके दिया जाता है ना कि इग्नोर करा जाता है, आपकी बातों को सुना जाता है, आपकी हर चीज़ देखते हैं लोग। अब तो हो गया नेगेटिव ये और अब पॉजिटिव पे आते हैं। पॉजिटिव में इसका जो फ्रंट है फर्स्ट सही आता है वो है इसका इंजन इसका अब चेंज कर दिया है कंपनी वालों ने, दूसरा पहले दूसरा आता था उसको चेंज करके अब इन्होंने कंपनी ने ये वाला इंजन डाला है। तो इस इंजन में आपकी वाइब्रेशन ख़त्म हो गई है। वाइब्रेशन जो होती है इंजन के अंदर पहले होती थी, रेस तो चलाते टाइम भी आपको पूरी बाइक वाइब्रेट होती हुई नज़र आती थी, इस इंजन में वो चीज़ नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है अब। बट ठीक है, वो चीज़ ख़त्म कर दी है इन्होंने, बिल्कुल भी आपको ना हैंडल पे फील होती है ना ही आपको किसी वैसे फुटरेस वगैरह पे फील होता है। पहले क्या होता था, हर जगह फील होता था, हाथ में भी पैर में भी हर जगह ही। तो एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये हो गया। और इसकी डबल चेसी कर दी इन्होंने जिससे सेफ्टी भी बढ़ गई है और सारा कुछ इसका अब बैलेंस हो गया है। पॉजिटिव इसकी लाइट थ्रो जो है ना, वो आपको लाइट थ्रो काफ़ी बढ़िया मिलता है इसका। अब अगर हम अपाची से कंपेयर करें तो अपाची से वैसे कंपेयर करने वाला तो कोई है नहीं, बट लाइट की बात करते हैं हम कि अगर लाइट आप कंपेयर करते हो ना तो इसकी बेस्ट है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लाइट भी पूरी फैलती है रोड पे और पूरा रोड पे चलती है, ठीक है। और एक चीज़ में इन्होंने और ऐड करी हुई है जो है आपका ये इंडिकेटर ज़ार लाइट, चारों इंडिकेटर आपके एक स्विच से चलते हैं और एक स्विच से बंद हो जाते हैं, ये वाला स्विच है उसका। और जैसे आप कहीं खड़े कर रहे हो बाइक और इसको ऑन कर दिया, ये ऑन हो गए चारों इंडिकेटर आपके, ये इससे चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। तो ये चीज़ सबसे बढ़िया फीचर दिया है कि आपको बाहर से कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कोई चीज़ लगवाना नहीं है आपको, ठीक है। और डिजिटल मीटर दे दिया इसका, पहले वो आता था दूसरा नॉर्मल सा मीटर आता था, अब ये मीटर दे दिया डिजिटल। और नहीं तो यही है फ्रेंड, और बाकी इसमें दे और तो ऐसा देखो ट्यूबलेस टायर हो गए आपके, ट्यूबलेस टायर भी मिलते हैं और तो ट्यूबलेस टायर हो गए अलॉय अगर आपको इसमें मिलते हैं अलॉय हो गए और आपको बाहर से काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें ये हॉर्न है जो ये चेंज करवाने वाला है, ये आपको चेंज करवाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लगता है आफ्टर मार्केट ये गार्ड लगवाया, लेग गार्ड वगैरह लगवाया था, लेग गार्ड में थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा क्वालिटी वाइज, ठीक है। और इसका इंजन कवर लगवाया था, इंजन कवर भी इतना कुछ खास है नहीं, ये भी चेंज करवा दूंगा मैं, इसका कोई फ़ायदा है नहीं, सारी मिट्टी इतनी तो ये है कि इतनी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी होती थी वो नहीं हो रही, यहीं पे हो जाती है। बट इसका जो मुझे सही नहीं लगा ये, बस इतना क्या है कि लेग गार्ड और कवर में मुझे इतना मज़ा नहीं आया सच बात बताऊँ तो। हाँ, अगर बाकी रहेगी आप लोगों को लेने या नहीं लेने की, तो आप लोग वो चीज़ देखो, अगर आपका बजट है इतना तो आप जा सकते हो उस पर, ठीक है।
और इसका एवरेज भी 45 के आसपास देती है। तो आप अगर देख लो ठीक है, आपका फेवरेट कौन सी बाइक है और इसमें भी कलर में भी कौन सा फेवरेट कलर है आप लोगों का, वो भी कमेंट करके बताना। बाकी ये है आज की वीडियो जो आप लोगों को रिव्यू के तौर पे थी, बट ऐसा कुछ खास तो जो चीज़ है नहीं वो क्या बताऊँ मैं। अब जो प्रॉब्लम थी मुझे वो चीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है, अदरवाइज़ ऐसे कोई अभी तक फॉल्ट नहीं हुआ है, ऐसे काम भी कुछ ज़्यादा नहीं करवाया था। बट इनकी जो सर्विस आई थी वो कॉस्ट आई थी मुझे सर्विस की, वो आई थी 2100 के आसपास आई थी फ़र्स्ट सर्विस। तो आप लोग सोच सकते हो कि फ़र्स्ट सर्विस पे अगर 2100 की सर्विस हुई थी मेरी फ़र्स्ट जो हुई थी, और इसमें यहाँ पे किट वगैरह होती है, कोई कहते हैं इसके नीचे कोई किट वगैरह चेंज होती है, वो गैस किट वगैरह होती है, बाकी से इंजन ऑयल वगैरह, मुझे ये नहीं समझ आया इंजन ऑयल फ़र्स्ट सर्विस में चेंज करने का रीज़न मुझे नहीं पता चला। बाकी फ़र्स्ट सर्विस में तो अब इस बार 5000 चलेगी तो कहते हैं इस बार इंजन ऑयल नहीं चेंज होएगा, ये मुझे इस चीज़ का पता नहीं चला क्यों करा इसे ऐसे। और ठीक है, जो भी एक जन अपनी कंपनी की गाइडलाइंस है, जो भी आप गाइडलाइंस जैसे भी है, तो ठीक है देखते हैं जो भी होगा। सेकंड सर्विस 5000 पे होगी, 5000 पे उसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे कहते, बस यही है, बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं कर, बाकी देखते हैं कुछ काम करवाते हैं। तो टन साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और कैसी लगी आप लोगों को वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएं, और जो भी आप लोगों को इसमें बुरा लगा है, आप लोगों के पास है तो आप लोग क्या फेस कर रहे हैं, आप लोग एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं जो भी है। बाकी कल दिन बाय।